मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भास्कर के साथ बातचीत में कहा कि बच्चियों स्त्रियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ती वारदातों के पीछे समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता और हमारे परिवारों में स्त्रियों से पेश आने का गलत तरीका काफी हद तक जिम्मेदार है। बीते 4-5 सालों से ये घटनाएं बढ़ी तो है ही, मगर दरिंदगी सारी हदें पार कर गई है। लग रहा जैसे ये लोग किसी बात का बदला ले रहे हैं, जैसे किसी चीज को तबाह कर देना चाहते हैं। पिछले 4-5 दिनों से एक सवाल हमें सोने नहीं दे रहा है, लेकिन यह मसला आज का नहीं है। संसद में भी बोल चुका हूं मैं इस पर। सबके कह देने के बाद मुझे भी मौका दिया गया था। मैंने कहा कि सब जिम्मेदारों के भाषण सुनकर लग रहा है जैसे चार अंधे एक हाथी टटोल रहे हैं। जिसने पैर पकड़ा है उसके लिए हाथी खंभा है, जिसने पूंछ पकड़ी है उसके लिए हाथी रस्सी है। मुझे लगता है हमें मर्ज ही नहीं पता अब तक। हम वजह ही नहीं जानते तो इलाज कैसे करेंगे। और पहले तो ये बताइए कि आपके समाज में औरत की कितनी इज्जत है। दुष्कर्मों की जड़ तो यही है। एक लड़के के लिए दुनिया की जो सबसे अहम औरत है वो उसकी माँ है। वो उसे ही बेइज्जत देखता है तो यही सोचता है कि जब इसकी नहीं तो किसकी इज्जत होना चाहिए। औरत की जो दशा वो घर में देखता है उसे ही विधान समझता है। हिंदुस्तान में आज करोड़ों लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने सिवाय अपनी बहन के किसी जवान लड़की से 5 मिनट बात तक नहीं होगी। जब किसी चीज तक आपका एक सेंस नहीं होता तो आप उसकी फैंटसी करते हैं। इसी फैंटसी में बच्चों को आज सेक्स एजुकेशन पॉर्न फिल्मों से मिल रहा है जो सही नहीं है। गांव के आदमी को अंग्रेजी बोलने वालों से चिढ़ है। दूसरा बड़ा कारण है कुछ लोगों के मन में गहरा बैठा आवेश। समाज आर्थिक गुटों में बहुत गया है। अब वो दिन गए जब आदमी गाँव में रहता था और उसे पता ही नहीं था कि शहर में क्या चल रहा है। वो इंटरनेट पर सब देख रहा है। गांव का आदमी शहरों में जानवरों जैसी जो जिंदगी गुजार रहा है उसे उस बात पर गुस्सा है। उसे अंग्रेजी बोलने वालों से चिढ़ है, पैसे वालों से नफरत है, और ये गुस्सा किसी तरह बाहर आ रहा है। यह सब तब बदलेगा जब हम बच्चों को नेक परवरिश देंगे। आप उनकी माँ से जैसे पेश आते हैं वो उसकी बीवी से वैसे ही पेश आएगा। ये जो दकियानुसी लोग होते हैं ना, इन्हें बड़ी नफरत होती है औरतों से, क्योंकि वो उनके बारे में डिजायर तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिलियत नहीं है। और अपने जैसों को ये दिखाने के लिए कि हमें औरतों से कोई लेना देना नहीं है, वो उन पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाते हैं। हमारे यहाँ इस पर गंभीरता से सोचा नहीं जा रहा और ये रातों रात नहीं बदलेगा। आज 2 से 3% केस ही रिपोर्ट होते हैं। पुलिस भी तब रिएक्ट करती है जब भला मचता है। हमारे यहाँ कानून तो तैयार है, समस्या उसे लागू करने में है। सोशल मीडिया को देश समझना सबसे बड़ी गलतफहमी कहा जा रहा है कि आज अपनी बात रखना मुश्किल हो गया है। यह गलतफहमी उन लोगों को है जो सोशल मीडिया को देश समझ बैठे हैं। 100 से 50 लोग हैं जो या तो मर्जी से खुराफात कर रहे हैं या फिर करवाई जा रही है, मगर वो पूरा देश नहीं है। शायद उनकी रोजी रोटी का जरिया यही है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। बड़ी रौनक थी इस घर में। ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे, मगर ऐसा नहीं था जहां कुछ शीरी बातें थीं, वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर थे, कलियां थीं, गुचे थे। ये मौसम जब नया ऐसा था, शजर ऐसा नहीं था। घमंड तब सिर चढ़ता है जब आपको पता होता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते। मैं जब घमंडी लोगों को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि उन्होंने ये मान लिया है कि उन्हें बहुत मिल गया है। पर इस बहुत की परिभाषा क्या है? बहुत किसके सामने? पैसा मिल गया, पर क्या आप मुकेश अंबानी से ज्यादा है? आपका नाम बड़ा हो गया है, पर किससे? कबीर से या शेक्सपियर से? आपके इस बहुत का पैमाना क्या है? मेरे नजदीक घमंडी वो होते हैं जो खुद की तुलना औरों से नहीं अपने आप से करते हैं। मेरे जैसे आदमी को इतना मिल गया। ये घमंड तब सिर चढ़ता है जब आपको पता होता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते थे। अगर आपकी राय अपने बारे में बहुत अच्छी है तो जितना भी मिलेगा आप सोचेंगे कि यह तो कम है।